तर्ज सनाई मन में दानम है नूरे कल्बी है नूरे रूहम। तर्ज सनाई मन में दानम है नूरे कल्बी है नूरे रूहम। काबाए दिल हा किबलाए दिल हा इश्के हकीकी खाले के आलम। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मॉर्निंग विद जुगन में हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं लिविंग लेजेंड आबदा परवीन साहिबा को। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका ताल्लुक़ तो सिंध से है
और सिंध के मशहूर गुलकार एंड कंपोज़र ग़ुलाम हैदर की आप बेटी हैं, साहबजादी हैं। 1974 में आपने अपने करियर का आगाज़ किया और 1977 में आप पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर गुलकारा बन गई। 1990 में आपने बॉलीवुड में भी काम किया, वहाँ पे भी गज़लें गाईं। इसके अलावा पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी आपने प्लेबैक सिंगिंग की। उसके साथ साथ पाकिस्तान कोक स्टूडियो में जो आपने अपनी आवाज़ के जौहर दिखाए वो पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे तो अगर हम बात करें इनके सबसे रीसेंट जो प्रोजेक्ट है जो बहुत ही फेमस हुआ वो नसीबो लाल के साथ तू झूम जो आपने गाया, ये भी एक मेरा फेवरेट है। अच्छा, आपदा परवीन साहिबा की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने आप को और बहुत छोटी उम्र में अपने आप को लेजेंड का लकब दिला दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया 1984 में बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फिर सितारा इम्तियाज़ से 2005 में आपको नवाजा गया बाय परवेज़ मुशर्रफ साहब, हिलाल इम्तियाज़ 2012 में आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको नवाजा। इसके अलावा आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स और बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया है। आज इस ट्रिब्यूट के एपिसोड को आगे लेके बढ़ने के लिए, पेश करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मुल्क की बहुत ही मारूफ आर्टिस्ट, इंटरनेशनली रिनाउंड तहसीन सकीना साहिबा। थैंक यू तहसीन आज हमें ज्वाइन करने का। आप ख़ुद सूफ़ी म्यूज़िक की एक सेंसेशन हैं। आप बिलोंग तो आप गुजरांवाला से करती हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान में आपने अपना नाम कमाया है और नेस्कैफे बेसमेंट में आई थिंक आपकी पहचान बनी थी इनिशियली, और 4 साल की उम्र में ही आपने शायद कलाम पढ़ना शुरू कर दिया था। सो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी और बहुत से इनके नए प्रोजेक्ट्स भी बहुत जल्द मंजर आपके आने वाले हैं। और आज इनका साथ देने के लिए हमारे साथ ढोलक पे ग़ुलाम अब्बास हैं, वसीम अली तबले पे एंड बब्बा हमीद जो हैं वो हारमोनियम पे भी हैं, और इनकी आवाज़ भी आपको सुनने का साथ साथ मौका मिलता है। सो ये हमारे साथ वो लोग हैं जो आज के हमारे शो को आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन आज के शो में जो और हमारे साथ पर्सनालिटीज़ हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद। आज हमने सोचा कि एक महफ़िल का एहतमाम करते हैं, बातचीत भी करेंगे, कलाम भी सुनेंगे। देखिए, जब कोई आर्टिस्ट दुनिया से चला जाता है तो सारे ही उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे जो लिविंग लेजेंड्स हैं हम उनको जितने ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश करें कम है। आपदा परवीन साहिबा, मेरी उनसे पर्सनली भी मुलाकात रह चुकी है, बल्कि मेरी उनसे जब मुलाकात हुई थी तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ और मुझे मेरा उनके साथ कैसा वक्त गुजरा, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हमारा स्पेशल मॉर्निंग विद जुगन का ट्रिब्यूट शो है फॉर आर लिविंग लेजेंड आपदा परवीन साहिबा। अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और वो हमेशा हम लोगों के साथ सलामत रहें, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको बहुत से लोग अपने साथ भी मानते हैं। उनका जो लेवल है और उनको जिस किस्म का रिस्पांस मिलता है पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली सारे उनके फ़ैन हैं ही, लेकिन कभी आप इंटरनेशनली जाके देखें व्यूअर्स के जब उनका कॉन्सर्ट होता है या किसी महफिल में वो परफॉर्म कर रही होती हैं, मतलब क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग। मैंने तो ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं कि कॉन्सर्ट अंदर हो रहा है, लोग बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं क्योंकि अंदर कॉन्सर्ट की टिकट उनको मिल नहीं पाया क्योंकि जगह ख़त्म हो गई थी, तो लोग बाहर बैठ के अपनी गाड़ियों में सुन रहे हैं, रोड पे खड़े होके सुन रहे हैं, मतलब। और उनका ऑरा इतना खूबसूरत। व्यूअर्स, मेरी पर्सनल उनके साथ मुलाकात बहुत दफ़ा हो चुकी है, लेकिन जो सबसे रीसेंट मुलाकात थी जब मैं उनसे मिली तो उनके पास गई,
जब उनसे मिली तो जाके उनके पास ज़मीन पे जाके उनके पास पैरों में बैठ गई, तो उन्होंने एकदम से उठाया और कहा नहीं 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 नहीं, तू सैयद जादी है, मतलब ऊपर ऊपर बैठ जाओ साथ मेरे, कहती बल्कि मैं नीचे बैठ जाती हूँ। मैं इतनी एम्बेरस हुई, मतलब इतनी बड़ी स्टार, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, लेकिन उससे बहुत बड़ी इंसान। वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। आइए व्यूअर्स, मिलते हैं हमारे प्यारे प्यारे जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, हमारी जो फैमिली है। आज स्पेशली हमने अदील भाई को बुलाया था कि आज के टॉपिक पे हमारे साथ हमारी मैडम को, वो भी ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे थे। अदील बरकी साहब पूरा वीक हमारे साथ होंगे और डिफरेंट लेजेंड्स को हम लोग मिलके ट्रिब्यूट पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, क्या हाल चाल है। कुछ प्रोग्राम होते हैं जो जिनसे हम अपने धरती माँ से या पाकिस्तान होने का कर्ज निभाते हैं, तो आपके इस प्रोग्राम की काविश को मैं इस तरह से बेहद पसंद करूंगा कि हमारा मकसद इस प्रोग्राम में सिर्फ गाने गाना नहीं होगा, झूमना नहीं होगा, तालियां बजाना नहीं होगा, या आपको आपके बेडरूम में गाड़ियों में खुश करना नहीं होगा, ये एहसास दिलाना होगा कि हमारे मुल्क में मौसीकी के कितने बड़े सतून जो हैं वो गुजरे हैं, और अब डिफरेंट पड़ोसी ममालिक के लोग उनकी क्रिएशन को, उनके गानों को अपने नामों से टिकटॉक पे और दूसरी जगह पे गा रहे हैं। मेजर रीजन यही था, ये प्रोजेक्ट, ये हम वीक करें अपने लिविंग लेजेंड्स को, और जो इस अब हमारे साथ नहीं भी लोग हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करें और रिमाइंड करें लोगों को कि आप अक्रॉस द बॉर्डर का गाना सुन के कहते हो क्या उन्होंने गाना निकाला है, भाई वो तो हमारे लेजेंड्स के गाने। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा आपने जुगन और ए प्लस ने शुरू किया, तो उसमें रिलीजियसली मैं अपना हिस्सा डालने के लिए ज़रूर आता रहूँगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे जिन नंबर एक तो बात ये कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस हिसाब से हमसे खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता, और इवन टीवी देखने वाले भी अगर हमारी एज ग्रुप के हैं तो कोई आइंदा आने वाली कोई नस्ल इतनी खुश नसीब हो नहीं सकेगी जिसने इस एरा में अपने सामने नुसरत फतेह अली को, मेहंदी हसन को, गुलाम अली को, आबदा परवीन को, मैडम जी, मैडम नूरजहां को, नुसरत फतेह अली को, इमानत अली खान को, सलामत अली खान को, रेशमा को, नसीबो और ढेर सारे लोगों को अपने सामने ना सिर्फ जिंदा देखा, लाइव सुना और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा, अब मैं बाकी सबको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ईमान फातिमा हमारे साथ हैं, खुद भी बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू आज हमें ज्वाइन करने का। आपके साथ बैठी हैं अलीना और अस्सलाम बेटे, और हमारे बहुत ही प्यारे भाई अदनान सरवर शेख, एक ऐसी पर्सनालिटी जो जब हम इनको आवाज़ लगाते हैं दौड़े हुए हमारे पास आते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई सीईओ बॉम्बे चावपति एंड मिठास, आज खुद भी आए हैं और साथ में चाट का एहतमाम भी होगा, लाइव चाट का हमने स्टॉल भी लगाया है, बल्कि बिल्कुल ही आपके पीठ पीछे लगाया है, तो हम साथ साथ खाएंगे, पिएंगे, सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि ट्रिब्यूट को उस तरह पेश किया जाए जिस तरह ट्रिब्यूट पेश करना बनता है। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारी बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट, हमारी ए प्लस की फैमिली का बहुत अहम हिस्सा अरूज भी हमारे साथ हैं। देन इस साइड पे आ जाते हैं बिल्कुल नुक्कड़ पे, मुझसे बहुत दूर मेरे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर फैसल हैं। वैसे तो डॉक्टर फैसल को भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का, मौसीकी का शौक़ है, तो हमने सोचा कि फैसल भाई को आज के शो में ना बुलाए तो शो नामुकम्मल होगा। और फैसल भाई के साथ आमिना फैसल हैं, इनकी शायद थोड़ी सी जान पहचान है एक दूसरे के साथ, आई थिंक एक दूसरे से अच्छी जान पहचान है, अच्छी जान पहचान है, मियाँ बीवी हैं इसलिए कभी अच्छी जान पहचान होती है, कभी बुरी होती है। अच्छा, उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे, हमारे साथ है मुतीबा। अस्सलाम वालेकुम मुतीबा, क्या हाल है? मामा आके बैठ, मामा मुझसे मिली भी नहीं। अच्छा, हेलो मामा, नैयर आपा, हम सब की मामा, एक्चुअली हम इनको हम कहते हैं इनको आपाएं, लेकिन ये चाहे इनसे कोई 15 साल बड़ी खातून भी हो तो उनकी मामा बन जाती, तो हम सब की कम्यूनल मामा नैयर आपा आज हमारे साथ है। और एक और जिसको बहुत शौक है हम सब की मामा बनने का, है मेरी क्लास फेलो लेकिन बहुत शौक है इसको हम सब की मामा बनने का, डॉक्टर मासूमा ज़हरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो अब ऐसा करते हैं कि हम कलाम सुनेंगे ब्रेक से आते हुए, और एक फरमाइश आई थी
मैं नाम लेके फरमाइश आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने जब पोस्टर शेयर किया तो हर किसी ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए। साहिबजादा काशिफ महमूद साहब ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिएगा ये नारा है गाना, ठीक है ना, तो वो हम ब्रेक से आते हुए सुनेंगे आप हमारे साथ। वासिफ अली वासिफ साहब का कलाम है। मैं तश्ना कहां जाऊं, मैं तश्ना कहां जाऊं, पीकर भी कहां जाना। मस्ताना मैं शोभिए रिंदाना।
बात है जी अदील भाई। उस पर पेंट हाउस में मुशरफ साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो उनकी तरफ महफिल थी, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कहा कि नारे मस्ताना आपदा ने बहुत अच्छा गाया है, तो उसे यहाँ हम बुलवाना चाह रहे हैं, तो उसे आप बात करें इधर आए। देन मैंने ये सुना और मैंने फिर आपदा जी तक पहुँचाया, और वो इतनी डाउन टू अर्थ और अकीदतमंद खातून हैं कि जुगन ने जैसे शुरू में कहा था ना, मेरा यकीन है कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी नीयत साफ है, तो आपको भाग बहुत लगते हैं, आपके हर सुर में हर लहजे में वो असर आ जाता है कि अल्लाह आपको मोतबर कर देता है। सो आपदा परवीन साहिबा अब मेगा हिट से भी ऊपर जा चुकी हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कहते हैं कि लिविंग लेजेंड है। देखिए लोगों को लेजेंड का टाइटल भाई आपको भी पता है दुनिया से रुखसत होने के बाद मिलता है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको उनकी जिंदगी में लेजेंड कहा जाता है। इनकी सबसे पहली तरबियत इनके अपने घर पे हुई थी। वो जो एक बाप बेटी का प्यार और इश्क था वो अपनी बेटी में ट्रांसफर किया उन्होंने, और वो सारी दुनिया ने देखा। वाह वाह, बिल्कुल। वो बेसिकली बहुत अच्छी, नो डाउट उनके एक एक गजल, काफी गाने, सब कुछ बहुत अच्छे। अच्छा, नए सुनने वालों के लिए मैं बताऊं आपको सबको कि जो नए लोग जिन्हें उस्ताद नहीं मिलते और लोग सीखे बूझे लोग उन्हें अताई कहते हैं, शायद उनका इसमें मजाक भी उड़ाते हैं। आपदा जी के बड़े होने की एक दलील मैं आपको ये भी बताऊं कि हम लोग सूफी फेस्टिवल में इंडिया में थे, आपदा जी थे, फरीदा खानम साहिबा थी। आपदा जी अगर देख रहे हैं तो कॉल भी कीजिए, आपसे हम लाइव बातचीत करें। अभी परसों मैंने आपको इस्लामाबाद में सुना, हम मिले। अगर आप आज हमारा इतना प्यारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमें कॉल कीजिए ना, सैयदजादी भी आपके इंतज़ार में। तो किसी ने कहा वहाँ बैठ के कि अताई भी इस दफ़ा आए हुए थे प्रोग्राम में परफॉर्मेंस करने सूफी फेस्टिवल में, तो मेरे समेत एक दो और भी लोग अपना समूह लेकर रह गए कि भाई अगर हम नहीं पैदा हुए उस्तादों के घरानियों में, अगर हमें दिल से किसी ने नहीं सिखाया तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि हम तो यकीन रखते हैं कि आप मेहनत करें तो खुदा को भी पा लेते हैं। आपदा जी ने, आपदा जी का ज़रा सुनिए, खाना खाते हुए उन्होंने इशारा किया कि जवाब मैं दूँगी। खाना खा के उन्होंने उसे उन्हें कहा कि जिन्हें अता ही हो जाए, वाह वाह वाह, उन्हें इंसानों से सीखने की क्या जरूरत है। वाह वाह वाह, अता करने वाला इंसानों से बहुत बड़ा होता है। तो दिस इज द हाइट ऑफ पॉजिटिविटी। तहसीन के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था, मुझे सत्तार साहब की कॉल आई कि एक नई सिंगर है, उसे आपने इंट्रोड्यूस करवाना। तो मैंने कहा कौन सी नई सिंगर है? वो नई सिंगर को मैंने कॉल की तो नई सिंगर के मियाँ साहब बैठे हुए थे। वो लगता है क्योंकि खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, इस दिन जुगन हम अब सारी टीम के साथ इनके घर जाएंगे खाना खाने। हाँ, बड़ा मजे का ये देखा कितना बस गाना खिला सुना सुना के हमारा पेट भर देती हो ना, ये हमारी रूह को भरती है, हमें हमारा पेट नहीं भरेगी। और इसीलिए तो हमने कहा था कि अदनान भाई को कह देते हैं तो वो सब हैंडल कर लेंगे। बॉम्बे चौपाती जिंदाबाद। अदनान भाई इतने मजेदार हैं कि वो आज सारे खट्टे खाने लेकर आए हैं ताकि कोई भी ना गा सके। तो हमने आप लोगों को वैसे भी नहीं खाने देना भाई। देखिये बात ये है कि मुझे एक इस चीज का भी बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो आप जैसे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट, अब आप लास्ट टाइम आपने कब खाया होगा कोई भी खट्टी चीज? ये गोलगप्पे कल नहीं, कल रात कल रात को क्या यहाँ एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, उस कैन पे डू आता है चिकन का, तो उसकी सॉस जो थी निहायत खट्टी। आप सबको पता है लंबी लंबी बोतलें होती नहीं, तो इतनी तो नहीं उसकी खट्टी होती है, हमें हद से ज्यादा। ए प्लस की शादी में गोलगप्पे भी तो खाए थे ना। तो देखें तो बात ये शौक सबको होता है, खा नहीं पाते क्योंकि खुद परफॉर्म करना होता है। तो आज हमने कहा है कि हम सिर्फ तहसीन को टॉर्चर करेंगे, बाकी हम सारे के सारे जो है वो एंजॉय करेंगे। तहसीन मैं ये चाहूँगा कि इतनी ढेर सारी आपदा जी की चीज़ें हैं, आपदा जैसे भाई साहब ने अभी बताया बिल्कुल ठीक अपने वालिद की उन्हें थी, फिर आपदा जी खुद बताते हैं कि उनकी दीवानगी का ये आलम था कि मज़ारात पर जब वो हाजिरी के लिए जाती थी तो बगैर माइक के बुलंद आवाज़ में वो कलाम पढ़ते थे। बहुत, और वहीं से कराची और हैदराबाद टीवी के लिए उन्हें गाने का मौका मिला, तो उन्होंने रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। सिर्फ दो लाइनें मैं आपसे सुनना चाहूँगा भले बिना म्यूज़िक के। दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। बहुत सारी मतलब ये बातें मैं समझ रही हूँ कि जैसे जुगन ने बताया फर्स्ट
कि उनको ये परफॉर्म किया उन्होंने और उनको ये अवार्ड मिल चुके हैं। मैं ये समझती हूँ, मुझे ये बात करनी थी कि मैं ये समझती हूँ कि ये अवार्डों के लिए एजाज़ है कि वो आपदा जी को मिले। क्या बात है, क्या बात है। ये आपदा जी के लिए नहीं एजाज, ये उन अवार्ड के लिए एजाज़ है कि वो उनको मिले। सुनिए एक शेर, नाज़रीन आपने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा हर तकरीरी मुकाबले में, बसों में, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से। यकीन कीजिए ये यहाँ पर आता है कि अपने आप को इंसान अगर इतना बुलंद कर ले ना, आपदा जी अब उसकी मिसाल है कि अब जो कोई अवार्ड आपदा जी को मिलेगा उस अवार्ड की खुशकिस्मती होगी। तो प्लीज़ आप सब लोग भी मेहनत करके अपने आप को इतना बुलंद कीजिए। जी जरूर। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू भी जारी रहेगी, कलाम भी सुनते रहेंगे। आपदा जी को, द ग्रेट लिविंग लेजेंड आपदा परवीन साहिबा को हम सारे अपने तरफ से ए प्लस की तरफ से एक ये खूबसूरत सा ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। आई होप कि वो कबूल करेंगी। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो अहले ज़माना कदर करो
नायाब न हो कामयाब हैं हम ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम कामयाब हैं हम कामयाब हैं हम। वाह 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 आज जुगन ने बल्कि ये प्रोग्राम इसके बाद YouTube पे चला जाएगा, दुनिया भर में देखा जाएगा और हमारी प्यारी आपदा आपा अगर इस वक्त नहीं देख रहे तो उस वक्त देखेंगे। तो मैं ये बता दूं कि ये सारी मोहब्बतें, ये सारी शफकतें, ये सारी फीलिंग जो मैं, जुगन, हम सब, तहसीन, ATV लेकर आ रहा है, ये आपके लिए है, आपके लिए नजराना अकीदत है। और यकीन कीजिए कि हमारी डिज़ायर है कि हम बहुत जल्द आपको इन सब प्यारे प्यारे लोगों के सामने ला के लाइव बिठाएं। अल्लाह आपको बहुत सारी ज़िंदगी दे। और आपसे हमने गाना तो सीखा लेकिन हम्बल ज़िंदगी, डाउन टू अर्थ ज़िंदगी, अपने आप को बिल्कुल किसी के सामने झुका देने वाली ज़िंदगी, ये आदाब भी हमने आपदा परवीन आपसे सीखे। बहुत से हम लोग जो हैं, चाहे आर्टिस्ट हों या आम लोग हों, सबका कोई ना कोई उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा कोई मोमेंट रहा है जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो कहते हैं। जिस तरह मेरा पर्सनल उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा मैंने शेयर किया, आपने अपने बारे में बताया, आपने उनसे बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला। हम सारे जो हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अंदाज से उनसे मुतासिर भी हैं और उनसे हमने सीखा भी है। वाह। देखिए व्यूअर्स, हमेशा कहा जाता है कि जब किसी को का ज़र्फ़ देखना है, किसी की पर्सनैलिटी को कोई किस किस्म का है, तो उसको अगर देखना है तो तब देखो जब वो अपनी टॉप ऑफ द गेम पे हो या बिल्कुल बॉटम ऑफ द गेम पे, यानी कि बिल्कुल जब उनके पास कुछ ना हो या जब उनके पास सब कुछ हो, सब कुछ जो वो सोच सकते थे या उनकी सोच से ज्यादा उनको मिला हो, तो तब आपको पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। और आपदा जी को जितनी कामयाबी मिली वो उस दरख्त की तरह है जिसको फल लगता है और हमेशा झुकी रही है और झुकती ही चली गई। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे क्योंकि घंटे की आखिरी ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने कुछ फरमाइशें भी करनी है, डॉक्टर फैसले भी फरमाइश करनी है और हमें बातचीत भी करनी है, और अगर हम में से किसी की मुलाकात उनसे हुई है तो उस पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। मैं गल करनी है तड़ी मेहरबानी। वेलकम बैक फ्रॉम द रेडियो। मैं कह क्या होने वाला है, सारे अपने मूड में आ गए, हमने तो कोई दो 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 चार बातें करनी थी। अच्छा जुगन, इस दौरान में इतनी ज्यादा फरमाइशें आई हैं उस गजल की जो हकीम नासिर साहब की, जहां से जो मैं समझता हूं कि आपदा परवीन साहिबा की आम लोगों में शोहरत का
तेरे इश्क ने चाहा भी हम पेश करें। चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खा, नदी किनारे धुआं उड़े मैं जानूं कुछ हाँ, जिस कारण मैं जोगन बनी कहीं वो ही ना जलता। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स।
लोग महफिलों पे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। मैं जब भी बॉम्बे चौपति का कहीं पे भी स्टॉल देखती हूँ, सबसे पहले जाके खट्टा पानी पीती हूँ। अच्छा नान भाई, बताइए कि आज हमने अपनी महफिल में किन खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल? हम डिफरेंट किस्म के चाट ट्राई कराएंगे। पानी पूरी है, गुजराती पूरी है, दही सेव पूरी है, राजचोरी है, और ये सब चीज़ें आपके गेस्ट को भी और आपको भी साथ मिठास की तरफ से मिठाई है वो भी आपको टेस्ट करवाएंगे। क्योंकि जैसे कि अदील भाई ने भी बड़ी अच्छी बात पॉइंट रेज किया कि जब इस तरह से कलाम सुन रहे होते हैं तो उसके दौरान खाने को सर्व करना और ये वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि अभी हम अपने, जब तक मैं बाकी सब ब्रांड्स वगैरह की बात करूंगी, तब तक हम बॉम्बे चावपत्ती की सर्व करेंगे एंड देन फैसल भाई की फरमाइश भी हमने पूरी करनी है। तो राज कचोरी तो फैसल भाई को देनी है भाई, ठीक है ना? वो सामने जो हमारा यंग मैन बैठा हुआ है, इनको ज़रा आज खिलाते हैं ना, ज़रा इनका हाजमा सेट करते हैं। कुछ नहीं खाते, डाइटिंग करते हैं, इनको ज़रा बताएं कि ये कितना हेल्दी। देखिए सारी चीज़ें बॉइल्ड हैं, ये बिल्कुल हेल्दी चीज़ है जी, इसमें कोई ऐसी आपको फैटिंग वाली कोई ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है। तो जी भाई आप अब अपना काम करें ना भाई। जी जी बिल्कुल। और बाय द वे, बॉम्बे चावपत्ती और मिठास को अगर आपने अपने घरों में ऑर्डर करना है, आपने आपके घर में कोई इवेंट्स है या कोई बड़ी शादी वगैरह इस किस्म का इत्माम है, तो आप बड़े आराम से बॉम्बे चावपत्ती से रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा व्यूअर्स, अब आ गए हम अपने रॉयल कॉर्नर के अंदर, जहाँ पे रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल एसीडीसी इन्वर्टर सीरीज फैंस की मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी। रॉयल के सारे ही प्रोडक्ट्स जेन्युइनली रॉयल हैं और इसीलिए कहा जाता है कि साथ जिंदगी भर का। रॉयल ने अब ऐसे खूबसूरत फैंस जो हैं वो क्रिएट किए हैं कि आप बेसिकली अपने घर का जैसा भी आपका डेकोर हो, जैसा भी आपने अपने घर को सेट किया हो, आप उस हिसाब से अपनी पसंद के फैन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो एक टिपिकल किस्म के फैंस होते थे, अब आपको सिर्फ वो लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अवेलेबल हैं। और अदरवाइज़ अगर आपने स्पेशली एक सर्टन लुक के फैंस लेने हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रॉयल का रूम कूलर, रॉयल का रूम कूलर इज़ अमेजिंग। मैंने भी दो पिछले दिनों परचेस किए। 15 घंटे तक आपको कूलिंग देता है रॉयल का रूम कूलर। 80 लीटर पानी की उसके अंदर जब फिलिंग हो जाती है तो बार बार आपको फिलिंग करना पड़ता, 15 घंटे तक आपको कूलिंग मिल जाती है। या और पाकिस्तान की सबसे जदीद फैंस बनाने वाली कंपनी रॉयल फैंस ने पाकिस्तान का पहला ऐसा रूम कूलर क्रिएट किया है जो जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि ठंडी हवा खुशबू के साथ। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप www.royalfans.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ये जो रॉयल की अमेजिंग सी वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो अमेजिंग हैं, जैसे कि सिंक लिड ऑप्शन है, जेट स्टीम है, थ्री वे वाटरफॉल सिस्टम है, लार्ज पल्सेटर है, एनर्जी सेवर है यानी कि बिजली भी कम इस्तेमाल करता है, डबल प्लास्टिक बॉडी है, रॉयल का 6+1 ईयर्स का जो वारंटी है ये बहुत ही ऑसम है, स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी, पानी और डिटर्जेंट उतना ही इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी होता है, वेस्टेज नहीं होती, और साथ में ड्यूरेबल मोटर। ज़रूर www.royalfans.com पे जाएं और अपने लाइफस्टाइल को एलिवेट करें और उसे रॉयल बनाएं। एंड फाइनली चिक की आपसे बात करना चाहूँगी। ये जो चिक का रेफ्रिजरेटर है, इट इज़ अमेजिंग, फुल डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, -32 degrees यानी कि 32 degrees माइनस की कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी है, यूरोपियन स्टैंडर्ड डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी भी है, 137 आवर्स की कूलिंग बैकअप है, ओपन इवेपोरेटर विद 6 ways कूलिंग टेक्नोलॉजी और 12 साल की कंप्रेसर की वारंटी है, 12 ईयर्स की। सो चिक को घर लेके आएँ, ज़िंदगी को आसान बनाएं। और आज का चिक का सवाल जो आप चिक के फेसबुक पेज पे जवाब दे सकते हैं चिक पाकिस्तान के नाम से। चिक प्रोड्यूसेस यूरोपियन स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर्स। चिक रेफ्रिजरेटर स्मार्ट सेंसर्स की वजह से स्मार्टली काम करता है। चिक रेफ्रिजरेटर्स में टोटल कितने स्मार्ट सेंसर हैं? 1, 2 या 4? सही ऑप्शन को आपने हमें का जवाब देना है चिक के फेसबुक पेज पे जाके। अब वापस चलते हैं अपने मेन स्टेज की तरफ, और फैसल भाई ने एक फरमाइश की थी, अगर हम उस फरमाइश को पूरा करें। अदील भाई भी बड़े शौक से सुनते हैं। और क्या माहौल बनाया तेरे इश्क ने जाया करके थैया।
सदके जावाओ ना उचिया तो जिन्ना नी मिया नाल निभाई तेरे इश्क न जाया तेरे इश्क न जाया तेरे इश्क न जाया करके थैया थैया छेती आवी में तभी छेती बोड़ी में तभी नहीं तो मैं मर गई वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम द ग्रेट आफ्ताब परवीन साहिबा लिविंग लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जी। नैयर आपा, आप भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, इनका जो है वो यारदी करोली बहुत ज़बरदस्त, वो हो जाए तो ज़बरदस्त। और मुझे यही बात अभी नैयर आपा भी ब्रेक में बता रही थी कि बचपन से सुनती आ रही हैं आफ्ताब जी को, माशाल्लाह आफ्ताब जी जो है जनरेशन टू जनरेशन स्टार हैं, तो जो उनकी फरमाइश है अगर हम वो पूरी कर देते हैं। अच्छा ये देखिए कि घड़ोली में आज भी वही चाम वही मज़ा है जो आज से तकरीबन 40-45 साल पहले। बिल्कुल। अच्छा और ये मिठास की तरफ से एक तोहफा आपके और आपके बच्चों के लिए, ये हमारे प्यारे अदान भाई लेके आए हैं आपके लिए एक गिफ्ट, तो ये थैंक यू सो मच।
दम दम अली 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 दम चरखड़ा चरखड़ा झूम चरखड़ा साइया दा मेरी दत्तन वाली
चरखा बोले साई साई बातन बोले तू, चरखा बोले साई साई बातन बोले तू, कहे हुसैन फकीर निमाणा, कहे हुसैन, कहे हुसैन फकीर निमाणा, मैं नहीं सब तू। धमाल पे क्लोज करते हैं क्या? वाह 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 वाह। लाल मेरी पत 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 लाल मेरी बंदाए मुर्तजा लिहास्तम थे रखियो भला चूने सिंधड़ी दा सेवन दा शाहबाज खलंदर दमादम दस्त खलंदर अली दा पहला लंबर दा।
चारे चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आया बाला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आया बाला झूले लालन, सिदड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर माला। जन जन ने तोरी नौबत बाजे, अब ये लोग आपको धमाल मुर्शिद लाल की नौबत सुनाएंगे। कलंदर लाल कलंदर, कोशिश करें, धमाल है, सारे लोग खड़े हो जाएं। कलंदर कलंदर मस्त कलंदर, ओ मस्तो मस्त कलंदर, धमा दम मस्त कलंदर, है नी रख रख दे अंदर, है नी दा पहला नंबर, जत्ती शाह लाल कलंदर, कलंदर लाल कलंदर, कलंदर अली कलंदर, ओ मस्तो मस्त कलंदर, धमा दम मस्त कलंदर, है नी रख रख दे अंदर, है नी दा पहला नंबर, कलंदर लाल कलंदर, सेवा ने लाल कलंदर, कलंदर अली कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, ओ मस्तो मस्त कलंदर, धमा दम मस्त शुक्रिया। थैंक यू।